तो वेट्स एंड इंटेंसिटी इतना मैटर नहीं करता, आपका फोकस उस पर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए, आप शुरुआत अगर कर रहे हो तो आपकी जो बॉडी की मोबिलिटी है वो अलाउ नहीं करेगी। सवाल ये है, हाउ वी कैन ट्रेन अवर लेग्स एट होम। कई बिगिनर्स का ये सवाल रहता है कि हम चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, बैक, ये सब तो घर पे ट्रेन कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमने तो वीडियो भी बनाए हुए हैं, लेकिन लेग्स, इसको कैसे ट्रेन किया जाए? तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब जो लोग वर्कआउट शुरू करने वाले हैं उनके दिमाग में लेग्स वर्कआउट को लेकर ये होता है कि लेग्स वर्कआउट इज इक्वल टू हैवी वेट्स एंड इंटेंसिटी। बिल्कुल सही, एक लेवल के बाद इंटेंसिटी, हैवी वेट्स मैटर करते हैं, लेकिन आप जस्ट शुरू कर रहे हो तो वेट्स एंड इंटेंसिटी इतना मैटर नहीं करता, आपका फोकस उस पर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए बेसिक एक्सरसाइजेस एंड उसके फॉर्म पे। तो जैसे जैसे आपका फॉर्म, मसल एंड माइंड कनेक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वेट भी बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो बड़ा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है हाउ वी कैन ट्रेन अवर लेग्स एट होम। तो आज हम लेग्स की कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने वाले हैं जो बेसिक्स है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी सारी एक्सरसाइजेस होने वाली है विदाउट एनी इक्विपमेंट। तो हम होम वर्कआउट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लेग्स के लिए बेस्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज कौन सी है? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। स्क्वाट्स, ठीक है समझिए। तो स्क्वाट्स टारगेट करती है आपके क्वाड्स मसल्स को, लेकिन स्क्वाट्स मूवमेंट टारगेट करती है आपके लेग्स के ओवरऑल मसल्स को, जैसे कि ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, काल्व्स एंड क्वाड्स ऑब्वियसली। इसीलिए इसे एक कंपाउंड मूवमेंट बोला जाता है। अब इसे लगाते कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लेग्स की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से रखनी है, आपको शोल्डर लाइन से थोड़ा सा बाहर की तरफ आपकी लेग की प्लेसमेंट रखनी है, ज़्यादा नैरो नहीं रखनी है, नैरो रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आएगा। अब सेकंड स्टेप, जब आप नीचे जा रहे हो तो आपको ग्लूट्स को सीधा नीचे नहीं ले जाना है, आपको ग्लूट्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ और नीचे की तरफ ले जाना है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी नीज जो है वो आगे की तरफ नहीं आएगी। अगर नीज आगे की तरफ आएगी तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, अभी तो कोई नहीं, आप बॉडी वेट से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब आप वेट रखोगे तब आपकी नीज में प्रॉब्लम हो सकती है। और एक मेन बात, आपको नीज को आगे की तरफ नहीं ले जाना है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक और बात, स्क्वाट्स की बात करें तो आप जितना डेप्थ में नीचे तक जा सकते हो आप जाने की कोशिश करें। आप शुरुआत अगर कर रहे हो तो आपकी जो बॉडी की मोबिलिटी है वो अलाउ नहीं करेगी, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाओगे आपकी बॉडी की मोबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट आती जाएगी। तो आप जितना नीचे तक जाओगे, जितना डेप्थ तक जाओगे, उतना आपकी ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग भी अच्छे से एंगेज होंगे। देखो स्क्वाट्स की बात करें तो सिर्फ बॉडी वेट से करोगे तो इतना मजा नहीं आएगा, तो वेट्स के लिए हम क्या ही यूज कर सकते हैं, कंट्रोल। हम यहां पे यूज कर रहे हैं गद्दा। गद्दा लोग कई और चीजों के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्क्वाट्स के लिए, वेट्स के लिए यूज करेंगे। तो देखो ये कोई अलग चीज नहीं है, जैसे मैंने पहले स्क्वाट्स के लिए एक्सप्लेन किया वही चीज है, आपको सिर्फ वेट ऐड करना है। क्या क्या करना पड़ रहा है भाई? वेट तो अच्छा खासा है इसका। तो अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं और वो है लंजिस। इसको लगाने के दो तरीके हैं, पहला और दूसरा। तो मैं ज़्यादा प्रिफर करता हूँ दूसरा वाला। और हाँ, ये एक्सरसाइज भी आपके क्वाड्स को ही एंगेज करती है मेनली, लेकिन इसमें भी आपके ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग यूज़ होते हैं। अब इसको किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। तो देखो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, आपको सिंपल ये चीज़ करना है, आपको पहला अपना लेग बाहर निकालना है और दूसरा लेग जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा, पीछे की तरफ आएगा, ताकि आपका बैलेंस अच्छा बने। आप पीछे की तरफ रखोगे तो बैलेंस नहीं बनेगा ऑब्वियसली। तो आपको इस तरीके से कुछ रखना है और सीधा नीचे जाना है कुछ इस तरीके से, ये सेम पोजीशन में आपको नीचे जाना है, ऊपर आना है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हैमस्ट्रिंग के बारे में। जैसे पहले मैंने बताया स्क्वाट्स एंड लंजिस आप लगाओगे तो उसमें हैमस्ट्रिंग का काफ़ी अच्छा एंगेजमेंट आता ही है, लेकिन इसकी एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, आपको पहले क्या करना है,
अपना एक लेग ऐसे रखना है और दूसरा लेग जो है वो पीछे की तरफ फेंकना है और आपका हाथ है वो ऐसे स्ट्रेट रखना है। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग बनाने के लिए। पैर जो नीचे ज़मीन पे है वो ऐसा बैंड नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसा बैंड नहीं होना चाहिए, सीधा स्ट्रेट ही रहना चाहिए, तभी जो है वो हैमस्ट्रिंग में अच्छा सा स्ट्रेच आएगा। तो हमारे लास्ट मसल की बात कर लेते हैं और वो है काफ्स, और उसके लिए हम लगाने वाले हैं स्टैंडिंग काफ रेजेस। तो देखो, सिंपली आपको ये करना है, आपको एक वॉल का सपोर्ट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको आगे लीन होना है। लीन इसलिए होना है क्योंकि जब आप लेग रेज करोगे और जब नीचे जाओगे तो आपकी एड़ियां जो है वो नीचे टच नहीं होनी चाहिए। सिंपल। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय। जय श्री कृष्ण।